जय हिंद एवरीवन। तो फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी आपको एनटीएससी स्टेज वन का रिजल्ट बता ही दिया, जो कि 2021 का था, जो कि 13 दिसंबर 2020 को कंडक्ट कराया गया था। काफी लंबे इंतजार के बाद अब जाके रिजल्ट अनाउंस हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स अनाउंस कर रहे हैं तो सबको करना ही है। तो आज इस वीडियो में हम स्टेज वन के रिजल्ट की बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनसे इंटरव्यू लेंगे, कट ऑफ पर बात करेंगे, टॉपर्स कितने नंबर स्कोर किए, टोटल बच्चे कितने क्वालिफाइड हुए हैं, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो जो टॉपर्स का इंटरव्यू होने वाला है, जो टॉपर्स तो नहीं कह सकते, क्वालिफायर्स का जो इंटरव्यू होने वाला है वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। क्यों? वो आपको एक सही तरीका, एक सही मार्गदर्शन देंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आराम से इस वीडियो को देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी, साथ ही साथ एनटीएससी के लिए। तो आप चैनल पर विजिट करिए, देखिए, आपको पता चल ही जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल, दिस इज किशन जायसवाल। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर एनटीएससी की जबरदस्त तैयारी करवाई जाती है, और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे एनटीएससी के आरंभ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाते हैं, पूरे एनटीएससी ओरिएंटेड। तो हम लोगों ने आपके लिए 7 पार्ट टेस्ट और 7 फुल टेस्ट डिजाइन किया है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये में अवेलेबल है। इसके अलावा कोई कॉस्टिंग नहीं दे ली है टिल एनटीएससी स्टेज वन। सेट प्लस मैट पूरा आपका पेपर होने वाला है, ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से, उससे पहले आप इनरोल कर लीजिए। रैंकर्स लाइव ऐप पर आपका टेस्ट होने वाला है। कहाँ होने वाला है? रैंकर्स लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, जितना जल्दी आप स्टोर प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली, डाउनलोड करने का तरीका ये है कि डायरेक्टली सर्च करिए रैंकर्स लाइव ऑन प्ले स्टोर, डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद एनटीएससी कैटेगरी चूज करिए, इसके बाद इसमें एनटीएससी आरंभ टेस्ट सीरीज में जाइए। यहाँ पर आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा, 299 रुपीज का, बाय नाउ कर लीजिए, ये ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब रिजल्ट्स पर बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट्स की बात करूँ तो ईशान रैना करके एक बच्चा है, जो कि सबसे टॉपर है उत्तर प्रदेश में। इस बच्चे ने स्कोर किया है 182 नंबर, जिसमें उसने मैट में 92 नंबर स्कोर किया है और सेट में 90 नंबर। सेट में भी इस बच्चे ने साइंस में 37 नंबर स्कोर किया है, सोशल साइंस में 34 नंबर और मैथमेटिक्स में 19 नंबर। इट मीन्स ये नंबर्स अचीवेबल हैं। अगर आप तैयारी इस साल कर रहे हो तो आप इस बच्चे का नंबर देख के ये चीज़ समझ सकते हो कि ये नंबर्स अचीवेबल हैं। मैट में आप 92, 94, 95 इतना स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ साइंस में 37, सोशल साइंस में 34, मैथ में 19 नंबर। ये बड़ी अच्छी चीज़ इस बच्चे ने स्कोर किया है। ठीक है, चलिए मैं अब आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। ये तो टॉपर्स बच्चे हैं, टॉपर्स के बाद मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ, इंतजार करिए। हाँ, ये है कट ऑफ, 158 नंबर कट ऑफ गया है। कितना गया है? 158। जो सबसे लास्ट बच्चा क्वालिफाइड हुआ है वो है आदित्य पाल। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है? जनरल का कट ऑफ डिनोट नोट कर लीजिए, 158। ठीक है, 83 नंबर इस बच्चे ने किस में स्कोर किया है? मैट में स्कोर किया है। इस बच्चे ने 32 नंबर साइंस में, 26 नंबर सोशल साइंस में और 17 नंबर मैथ्स में, मतलब टोटल 75 नंबर इसने सेट में भी स्कोर किया है। तो आप भी अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि आपको 170 प्लस सोच के चलना है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो। ठीक है, इस साल के लिए। और इकोनॉमिकली वीक बच्चों की बात करें, वीक बच्चों की बात करूं तो इनका कट ऑफ बहुत कम गया है, 89 नंबर। अगर आप इकोनॉमिकली वीक कैटेगरी में आते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी में होते हुए इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया छूट मिलती है, 89 नंबर पर आप क्वालिफाइड हो सकते हैं। 48 नंबर सिर्फ मैट में इस बच्चे ने पाया है, 41 नंबर इसने टोटल सेट में पाया है। इट मीन्स 80 नंबर आप 200 में से पाकर क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्जाम को, स्टेज वन को। चलिए अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की मैं आपको बता देता हूं, इंतजार करिए थोड़ा सा। यस, दिस इज द मेरिट लिस्ट, जिसमें 110 नंबर। कितना बेटा? 110 नंबर, काफी लो कट ऑफ है इसका, 110 नंबर एससी कैटेगरी का, जिसमें 66 नंबर इस बच्चे ने मैथ में पाया है, 14 नंबर साइंस में पाया है, 18 नंबर इस बच्चे ने सोशल साइंस में और 12 नंबर मैथ्स में पाया है। टोटल 44 नंबर इसने सेट में पाया है और
66 नंबर मैट में पाया है और इतना पाकर वो क्वालिफाई कर गया है स्टेज वन को। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, फिर मैं आपको टोटल नंबर्स बता दूंगा कितने कितने बच्चे क्वालिफाइड होते हैं। एक सेकेंड, एसटी का भी 110 गया, 111 गया है शायद, हालांकि मैं अभी आपको लिस्ट दिखा दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये ओबीसी आ गया है, ओबीसी एसटी, एसटी का सबसे लास्ट बच्चा जो है वो 111 नंबर पाया है। टोटल 28 बच्चे एसटी कैटेगरी में क्वालिफाइड हुए हैं, जिसमें इस बच्चे ने 58 नंबर मैट में स्कोर किया है और 53 नंबर सेट में। ठीक है, 21 नंबर साइंस में, 22 नंबर सोशल साइंस में, 10 नंबर मैथमेटिक्स में। अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है, तो आप जम के मेहनत करिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। 110 इट मीन्स आपको टारगेट कितना लेके चलना है, 130-140 का। ठीक है, इतने में भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी में भी कट ऑफ ठीक ही ठाक गया है इस बार, टोटल 388 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, 135 नंबर ओबीसी का कट ऑफ गया है। कितना गया है बच्चों, 135 नंबर। मैक्सिमम बच्चे ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं मुझे पता है, जिसमें 68 नंबर जो है वो आपका मैट में इस बच्चे ने स्कोर किया है, 67 नंबर आपका सेट में, 11 नंबर मैथ्स में, 26 नंबर सोशल साइंस में और 30 नंबर साइंस में। ये स्टेज वन क्वालिफाई करना आसान है अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर जाए तो। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड का आप देख सकते हैं 89 नंबर कट ऑफ गया है, दूसरे कैटेगरी का फिजिकली हैंडीकैप 78 नंबर गया है, दो बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, 69 नंबर गया है थर्ड कैटेगरी में फिजिकली हैंडीकैप्ड में, और पांचवी कैटेगरी में 89 नंबर गया है। तो टोटल मैं बात करूं तो लगभग देखिए 21 बच्चे तो फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले क्वालिफाइड है जो आपकी सीट फिक्स होती है, 388 बच्चे ओबीसी के हैं, 300 बच्चे लगभग एससी के हैं और लगभग 28 बच्चे एसटी के हैं। अब मैं आपको जनरल का एक बार बता देता हूँ, जनरल में कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। जनरल में टोटल 667 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि जनरल का कट ऑफ जो है वो हाई जाता है, बट उसमें कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, 667। अब हम लोग जोड़ लेते हैं कि टोटल उत्तर प्रदेश में सीट कितनी है, 8, 1, 9, 8, 17, 17, 7, 24, दो आया कैरी, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 8, 18, 18, 2, 20, दो आया कैरी, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14। मुझे पता था कि 1400 के अप्रॉक्स होता है, तो टोटल 1400 प्लस सीट है आपके पास, 1400 सीट में आपको जाना है और आप जा सकते हैं अगर आप मेहनत कर रहे होंगे, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से कर रहे होंगे तो। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये कट ऑफ आपको क्लियर हुआ होगा, आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब आप इस टॉपर्स के इंटरव्यूज देखिए, इन क्वालिफायर्स की बातों को सुनिए, जो बातें आपको अच्छी लगे उसको नोट करिए। ठीक है, स्टेज वन तो एक एक करके आराम से बात करेंगे, तुम लोग तैयारी कब शुरू किए थे? अनुराग, तैयारी तो बहुत लेट हो रही थी हम लोग की, हम लोग को पता बहुत लेट चला था एनडीएससी के बारे में। अच्छा, कब, जैसे कितने महीने पहले? दो महीने पहले पता चला था। कितना नंबर पाए हो आयुष तुम? 134। अच्छा, ओबीसी किस कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में क्या? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अनुराग तुम कब स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन इसकी? सर मेरा तो बहुत बहुत लेट में था सर, जब मेरा एकदम एंड पे आने वाला था तब मुझे पता चला। अच्छा, एंड पे जैसे मैं नाइन्थ में मैं इसके बारे में जानता था, लेकिन टेंथ में आते मेरा मेरे दिमाग से उतर गया कि अच्छा ये होता है, तो आखिरी में वही दो डेढ़ महीना मेरा बचा था, दो ढाई महीना मेरा बचा था उसमें मैंने किया था। कितना सर? सर स्कोर मेरा 164 था। बढ़िया यार, बहुत अच्छा। और ओझा त्रिश्वर कहाँ गए? यस सर, सर मैं एक लास्ट मंथ में, मतलब पता था नाइन्थ से ही पर थोड़ा मन नहीं किया, तो लास्ट मंथ में एक महीने में प्रिपरेशन किए थे। तो कितना स्कोर किए तुम? 162 है जनरल कैटेगरी। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। हर्ष वर्मा
यस सर। कैसे हो आज? बढ़िया बढ़िया। तो तुम कितना स्कोर किए? 165। बहुत बढ़िया यार। कब से तैयारी करना शुरू किए थे? सर मैंने 2-2.5 महीने से पहले से की थी। मतलब आखिरी 2-2.5 महीने भी तुमने तैयारी की और अच्छे से क्वालिफाई कर लिया एक विथ अ वेरी गुड स्कोर। इट्स अप्रॉक्स 160-165। इट्स अ वेरी गुड स्कोर। अच्छा, एक एक करके अब बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि मैट की प्रिपरेशन कैसे कैसे की आप लोगों ने। अनुराग, मैट रीजनिंग? सर रीजनिंग में तो सर जो जैसे जो नॉर्मल बुक्स होती हैं आर्यन वाली वही मैंने की थी। ज्यादा कुछ नहीं किया था सर, बस सिंपल जो क्वेश्चंस होते थे उसका किया था और एनटीएससी के जो पीवाईक्यूज होते हैं उनको किया था। आयुष, आपने? सर रीजनिंग की तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा वो फोकस किया मैंने, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और उसी से ज्यादा काफी अच्छे स्कोर हो गए उसमें रीजनिंग में, मैथ में। मैथ त्रिश्वर, तुम वीडियो ऑन कर लो, तुमने तो वीडियो ऑन किया था ना एक बार। सर मैं मैट की तैयारी सर यूट्यूब से कुछ तैयारी हुई थी और बाकी पीवाईक्यू डेली एक पेपर लगाते थे ऐसा था। और हर्ष, आप? सर मैंने तो अरिहंत की बुक से की लगाई थी और प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लिए। इफ यू वांट देन यू कैन ऑन योर वीडियो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हर्ष, चलो। अच्छा, मैट तो मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं आता। आई थिंक स्टेज वन का मैट जो है वो बहुत इजी आता है, जो कि तुम लोग कह रहे हो कि आराम से बुक्स वगैरह लगा के भी तुम बढ़िया से नंबर पा गए। तो yes, अच्छा, तुम्हें पता है स्टेज टू का मैट थोड़ा टफ आता है। पेपर देखा है स्टेज टू का, प्रीवियस ईयर का पेपर? यस सर, कुछ पेपर किए हैं। मैथ्स भी थोड़ा इंक्लूडेड रहता है। अब जो है वो पेपर मैट की पहले बात कर लेते हैं। मैट में स्टेज टू थोड़ा सा टफ होने वाला है। और आयुष, तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है कि तुम एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा कट ऑफ थोड़ा लो जाता है और इसका फायदा तुम्हें उठाना चाहिए। देखिए, आरक्षण जो भी मिल रहा है, अगर आप काबिल हैं कम से कम उतना भी कर सकते हैं तो आप उसका फायदा उठाइए। ठीक है, तो अच्छी बात है। आपका कट ऑफ आई थिंक स्टेज टू में अप्रॉक्स 100-110 मार्क्स के अप्रॉक्स जाने वाला है। ओबीसी या जनरल की बात करूं तो लगभग 130-140 इतना, अगर इतना स्कोर कर गए स्टेज टू में ना तो तुम क्वालिफाई हो जाओगे। सपोज करो तुम क्वालिफाई हो जाते हो तो तुम्हें लाइफ भर स्कॉलरशिप तो मिलेगी ही मिलेगी। एक तुम्हारे लिए प्राइड की बात होगी कि हाँ मैंने एनटीएससी का स्टेज टू भी क्वालिफाई किया। वो लाइफ भर तुम्हें पता रहेगा, लोगों को पता रहेगा, तुम्हारे रेज्यूमे में लिखा जाएगा, तुम्हारे सीवी में लिखा जाएगा, तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं सेट की। सेट में एक एक करके बात करेंगे। सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो बच्चों को आती है वो सोशल स्टडीज को लेकर आती है कि तैयारी कैसे करें, उसको पढ़े कहाँ से। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ बच्चे सीबीएसई से होते हैं, कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड से होते हैं। तो आप लोग स्टार्ट करिएगा तो बता दीजिएगा कि आप स्टेट बोर्ड से हो कि सीबीएसई बोर्ड से। अनुराग से शुरू करेंगे सोशल स्टडीज के बारे में, सब कुछ आराम से। सर वैसे तो मैं आईसीएसई बोर्ड से हूँ। बहुत बढ़िया, एक यहीं पे रोकना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि आईसीएसई बोर्ड के हैं तो वो क्वालिफाई कर ही नहीं सकते, उनका तो सिलेबस ही डिफरेंट है। अब तुम बताओ। सर अगर मेन सोशल स्टडीज में बात करें तो मेरा इंटरेस्ट ज्यादा रहा सोशल स्टडीज में, तो 8th से मेरा इंटरेस्ट ज्यादा हुआ था। तो जैसे मैंने ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं छुआ था, बस इंडियन हिस्ट्री ज्यादातर की थी और थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री देखा था, जैसे नाजीज़म हुआ और यूरोप के जो रिवॉल्यूशन थे वो देखा था। ये तो बात हुई हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। बच्चों को यही लगता है ना कि बच्चे यही सोचते हैं कि सोशल स्टडीज केवल हिस्ट्री है, लेकिन सोशल स्टडीज तो 3 और सब्जेक्ट कंसिस्ट करता है ना, उसकी स्ट्रेटजी बताओ। सर इकोनॉमिक्स में तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इकोनॉमिक्स मैं अभी ठीक से तैयार नहीं किया था, मुझे इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छी नहीं लगती है मुझे। अच्छा, तो हाँ मैंने कभी ठीक से पढ़ा नहीं तो मुझे समझ नहीं आती है। अच्छा, तो वो तो मैंने ज्यादा नहीं किया था। ज्योग्राफी में मैंने ज्यादा इंडियन ज्योग्राफी को ही देखा था, तो रिवर्स क्या है, सॉइल्स क्या है, जो अपने आईसीएसई 10th का सिलेबस था मैंने उसी को तैयार किया था। आईसीएसई 10th का सिलेबस? हाँ, पूरा वही हम लोग के आईसीएसई 10th में पूरा इंडियन ज्योग्राफी थी, तो उसमें एग्रीकल्चर हुआ, सब चीजें आ जा रही थी, तो मैंने वही तैयार किया था।
और सिविक्स में तो मैंने दो तीन मैंने फंडामेंटल राइट्स देखे थे, फंडामेंटल ड्यूटीज देखी थी, और कई सारे पोस्ट के एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया देखे थे, तो ऐसे कई सारे लॉज देखे थे मैंने, बस इतना ही अच्छा, किया था। तो टोटल तुम्हारे एनालिसिस से क्या चल रहा है कि पेपर कहाँ से आता है? मतलब कि अगर बच्चा एनसीईआरटी भी कर जाए और या तो फिर अगर एसएससी से है तो अपनी किताबें कर जाए, तो उसका काम हो जाएगा क्या सोशल स्टडीज में? हाँ, एनसीईआरटी अगर अगर वो किसी भी बोर्ड से, तो वो अपनी बोर्ड की बुक कर ले तो वो उससे हो जाएगा। क्योंकि अब तो उत्तर प्रदेश की बोर्ड ने भी एनसीईआरटी ही लागू कर दिया, अब तो उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ऑल बोर्ड्स आर द फॉलोइंग सेम बुक एनसीईआरटी। अच्छा ठीक है, अब आयुष से बात करते हैं। आयुष, स्टार्ट करना कि तुम किस बोर्ड से थे और कैसे सोशल स्टडीज की तैयारी की तुमने? सर, मैं तो सीबीएसई बोर्ड से हूँ, लेकिन एनटीएससी प्रिपरेशन के लिए मैंने यूपी बोर्ड्स की जो बुक्स आती हैं उन्हें प्रिपेयर किया था, तो काफी अच्छा प्रिपरेशन हुआ। उसमें कॉन्सेप्ट और बाकी चीजें, बहुत से क्वेश्चंस उसी से आए भी थे, तो तुम सीबीएसई शायद बोर्ड से हो लेकिन तुमने स्टेट बोर्ड्स की बुक को फॉलो किया, लेकिन अब तो स्टेट बोर्ड्स की भी किताबें तो यस सर। एनसीईआरटी ही हो गई हैं। अब यस तो सर, हाँ, तो अब तो सबको एनसीईआरटी वही। में काफी अच्छा। हाँ सर, एनसीईआरटी से भी काफी हेल्प मिली, एनसीईआरटी में भी बहुत सी क्वेश्चंस और बहुत सी नॉलेज मिली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा अच्छा, अत्रेश्वर टॉपिक ओझा, अब तुम बताओ, बोर्ड से बताना किस बोर्ड है। से हो। यस सर, सीबीएसई बोर्ड से हैं, और वो पेपर जो ऑब्जर्व किए थे उसमें इंडियन हिस्ट्री ज्यादा ऐसा लगा था कि इंडियन हिस्ट्री ज्यादा है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, जैसा 7th 8th का एनसीआरटी में जो कोर्स था इट वैसा मींस कुछ। मिडाइवल हिस्ट्री, और मिडाइवल। यस सर, यस सर, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, कुछ कम थे। और इकोनॉमिक्स और सिविक्स के कुछ कुछ तो जैसे जनरल नॉलेज है के क्वेश्चन होते हैं, कुछ पता होता है, वैसे क्वेश्चन थे, और कुछ एनसीआरटी से मतलब मिल रहे थे। तो इट कई मींस सारे तुमने, क्वेश्चन तो सर बहुत अलग तरह के पूछे थे, जैसे एलआईसी का पूछा था कि हाँ एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, फिर एक पूछा था कि ये दार्जिलिंग, वो एक क्वेश्चन हाँ पूछा हाँ था। ऐसा पूछा था। हाँ, और तो एक काफी अच्छा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर से पास होने वाली सिटीज, ऐसा सब करके था। अच्छा हाँ, चलो बढ़िया। तो अत्रेश्वर, ओवरऑल तुमने एनालिसिस करके ये समझा कि सोशल स्टडीज अगर आप प्रॉपर एनसीईआरटी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत मिडाइवल को भी पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री की बात हाँ करें, यस सर, मिडाइवल और हिस्ट्री थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में। देखिए हिस्ट्री का टोटल 10 10 क्वेश्चन लगभग आने वाले हैं, तो हम मान के चलते हैं कि 7 क्वेश्चन मिडाइवल से और 3 क्वेश्चन मॉडर्न से, हाँ और हाँ ऐसा ही आपको होगा। ज्यादातर इंडियन हिस्ट्री पर स्टिक रहना है, और थोड़ी बहुत आप यूरोप और नाजीज वगैरह, ये जो है हिटलर वगैरह, हाँ देख सकते हैं इसको। हाँ फ्रांस एंशिएंट भी सर थोड़ा फ्रांस सा, रिवॉल्यूशन जो है। वेद हैं और ये सब चीजें हैं, वेद के थोड़े से आपको पता रहने चाहिए, अच्छा, जैसे एंशिएंट थोड़े से हिस्ट्री। आपको रूलर का आपको पता रहने चाहिए। हाँ थोड़े से, जैसे अजातशत्रु हुआ, कनिष्क रूल हुआ, हाँ ये हाँ थोड़े से आपको पता रहने चाहिए। चलिए ठीक, बहुत जैसे हाँ कई बार ऐसा। पूछा है कि कौन सा ऐसा रूलर था जो खुद दूसरे को मारा और खुद वैसे ही हारा भी था, तो वो अजातशत्रु को कहा जाता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। महाजनपद के बारे में भी कुछ पूछे थे। हाँ हाँ, महाजनपद पूछता है कितने महाजनपद हैं, 16। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्ष, तुम क्या कहना चाहोगे सोशल स्टडीज पर? सर मैंने भी एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री पढ़ के गया था, और इकोनॉमिक्स में मैंने पूरी एनसीईआरटी देख ली थी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में, और सिविक्स में मैंने थोड़ी जनरल नॉलेज की किताबें उनको प्रेफर की। तुम किस बोर्ड से थे? सीबीएसई। सीबीएस। तो जो बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सीबीएसई बोर्ड्स के हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, ओवरऑल उन्हें देखिए अपने एनसीईआरटी पर स्टिक रहना चाहिए, और उनका मन करे, उन्हें इंटरेस्ट आए तो वो मिडाइवल देख सकते हैं, क्लास 7 और क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक्स को। यस यस सर। सर, तो चलो, ओवरऑल तो यही एसएसटी के लिए करते हैं, और अब बात कर लेते हैं साइंस की। तो अनुराग, साइंस पर क्या कहना है आपका? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो मेरी जो आईसीएसई की थी 9th और 10th, उसी को मैंने 9th को रिवाइज किया था, और 10th को मैंने थोड़ा जो सिलेबस में बचा था उसको कंप्लीट किया था, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया था। और केमिस्ट्री साइंस में ज़्यादातर यही था साइंस में, क्योंकि आईसीएसई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, सिलेबस वही रहता है। अत्रेश्वर, तुम क्या कहोगे साइंस को लेकर?
सर, साइंस में मतलब वो बुक के बीच में से कुछ क्वेश्चन मिले थे, और मतलब एमसीक्यू ही रहता है तो थोड़ा इजी रहता है ऐसा था। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स से कुछ अच्छे अच्छे ऐसा। कुल मिला के ओवरऑल तो ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी बायोलॉजी एनसीईआरटी ही करनी होगी बच्चों को? यस सर, सब बायोलॉजी एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिले थे। हाँ 9th की बायोलॉजी। आयुष, तुम क्या कहना चाहोगे इस पे? सर, बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस थे 9 और 10 की एनसीईआरटी से कवर हो जा रहे थे। जो मैंने पढ़ा था 9th और 10th के साइंस में एनसीईआरटी, उसी से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आए थे। चलो बढ़िया। हर्ष, तुम क्या कहना चाहोगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस के लिए? मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी 9th 10th, 9th 10th की टेंथ एनसीईआरटी की को जो प्रॉपर। बुक मैंने पढ़ी थी तो और 9th की रिवाइज कर ली। बहुत बढ़िया, बोर्ड के लिए पढ़ाई कर ही रहे थे, हल्का सा 9th को भी एक बार देख ली तो वो सारी चीजें याद आ गई और उसके उससे तुम्हारा काम हो गया। अब मैं लेकिन अगर स्टेज 2 की बात करूं, तुम लोगों को थोड़ा बहुत बता दूं, स्टेज 2 का पेपर टफ आता है। ठीक है, फिजिक्स जो होता है इन तीनों में से फिजिक्स टफ आता है। अगर तुम स्टेज 2 में बैठोगे तो तुम ये चीज रियलाइज करोगे या प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे, स्टेज 2 का जो फिजिक्स होता है ना वो 11th और 12th को टच करते हैं वो। अब क्योंकि बच्चे तैयारी करना भी थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं, जेई की या नेट की। कोई तैयारी कर रहा है यहाँ पर? स्टार्ट किया है कोई यह सब कर रहे हैं जे यस की। पर जी जेई की? हाँ, तो अगर तुम देखो जेई की कर रहे होगे ना तो तुम्हें मैथमेटिक्स और फिजिक्स बहुत हेल्प होने वाली है। हालांकि बायो तो अब तुम्हारी छूट गई यस होगी। सर, हाँ, तो यस स्टेज 2 सर, में तो तुम कम से कम ये फिजिक्स और मैथ में अच्छा कर सकते हो। अगर तुम 11th के भी मैक्सिमम पोर्शन कवर कर चुके होगे, हाफ सिलेबस भी अगर कवर कर लोगे अपने एनटीएससी या एग्जाम से पहले, तो तुम्हें हेल्प होगी। हाँ, सोशल स्टडीज की बात करो तो अब जो सोशल का पेपर बनने वाला है ना, वो बड़ा बहुत ज्यादा पेचीदा होता है। उसके लिए एनसीईआरटी की नॉलेज तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि उसका पेपर उठा के देखोगे ना और यूपीएससी का पेपर उठा के देखोगे, जैसे एक एक क्वेश्चन में चार चार ऑप्शन देंगे, फिर ऑप्शंस में कैसा होगा, इनमें से 3 सही है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही है, सेकंड सही है। इट मींस आपको अब नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर। पहले यस सर, क्या होता था स्टेज 1 में ये होता था कि भाई आपको याद है, टिक किया एक, आगे बढ़े। लेकिन अब आपको 3 4 कॉन्सेप्ट, जैसे मैं एक बार आईबी के एग्जाम में बैठा था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पहली बार बैठा था तो मुझे लगा कि भाई साहब ये एकदम सही में अच्छा पेपर बनाते हैं आईबी वाले। तो उनका पेपर एकदम यूपीएससी लेवल का था सोशल स्टडीज का। मतलब एक एक में चार चार ऑप्शन, पांच पांच ऑप्शन, ऑप्शन में इतना घुमा के, मतलब आपको हर ऑप्शन का नॉलेज होना चाहिए। अब स्टेज 1 में क्या होता था, आपको बस थोड़ा सा याद आ जाए, 4 में से 1 मिल जाए, आपका काम हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर आप स्टेज 2 की तैयारी कर रहे होगे तो सोशल स्टडीज की एनसीईआरटी को आपको प्रॉपर करना पड़ेगा और ओवरऑल आपको एनसीईआरटी पर यस ही स्टिक रहना पड़ेगा। बायो और केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी से ही आती है 9th 10th की, और हल्का हल्का 11th 12th को आपको हर कॉन्सेप्ट को, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा सा आपको 11th और 12th से टच कराना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट या मैटर पढ़ रहे हो क्लास 9th का, उसको थोड़ा सा तुम्हें क्लास 11th के मोल कॉन्सेप्ट से टच करना कराना पड़ेगा। सेम काम फिजिक्स में, अगर आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो तो क्लास 11th की काइनेमेटिक्स को टच कर चुके होगे, तो अब तुम्हें काइनेमेटिक्स में बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। ग्रेविटेशन पढ़ रहे होगे, ये आपका टच करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ये क्लास 12th को टच करते हैं। तो स्टेज 2 ओवरऑल थोड़ा सा लेवल डिफिकल्टी बढ़ जाता है, सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, और यस सर। अब मैं एक एक करके थोड़ा सा मैथ्स जो आखिरी बचा है मैथ्स के बारे में पूछ लेता हूँ। मैथ्स के बारे में क्या ख्याल है अनुराग तुम्हारा, मैथ्स का लेवल और कैसा रहा पेपर? सर मैथ्स का तो जो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड रहता है ज्यादा नहीं था, थोड़े सिंपली क्वेश्चंस थे, जैसे ज्यादा मुश्किल नहीं पूछे थे। और आईसीएसई में हम लोग में ML अग्रवाल चलती है, तो ML अग्रवाल के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, 9th 10th में क्वेश्चंस थोड़े अच्छे होते हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स मैंने किए थे, बाकी तो नहीं कुछ एक्स्ट्रा किया था, मतलब मतलब सारे सिलेबस मेरे ही आया कोर्स के था। ही। हाँ हाँ ठीक है। और अत्रेश्वर, तुम तो सीबीएसई से थे, तुम्हारी क्या राय है इस पे यस मैथमेटिक्स? सर, सर सीबीएसई में जैसे एनसीईआरटी में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो वैसा कुछ नहीं था, कुछ ट्रिक टाइप में क्वेश्चन था कि ट्रिक अप्लाई करके हो जाए ऐसा कुछ था। मतलब थोड़ा सा मैथमेटिक्स को आप और थोड़ा डीप पढ़िए। मतलब अगर आपके पास RS अग्रवाल है, RD यस सर, शर्मा है, तो उसको जरूर लगाते हाँ रहिए, हाँ क्योंकि उसमें आपको एप्लीकेशन पार्ट्स ज्यादा मिलते हैं। और एनसीईआरटी तो भाई बहुत सीधी किताब है, मतलब मैथमेटिक्स की सीधी किताब है, फॉर्मूला बेस्ड,
फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज मिल जाएगी आपको। हाँ, और आयुष तुम्हारा क्या रहा है मैथ्स को लेकर? सर मैथ्स से क्वेश्चन ज्यादा टफ तो नहीं थे, बस थोड़े लॉजिकल थे, थोड़ा यानी टाइम टेकिंग और थोड़ा सोच यानी कि सोच के थोड़ा इट मीन्स टोटली ये मैं कह सकता हूँ आयुष तुम्हारी बातों से कि अगर आप पढ़ाई की हो और वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने आपको आता है, वहाँ पे बैठ के भी अगर आप मेहनती हो, थोड़ा मेहनत करोगे, थोड़ा टाइम दोगे तो आपसे सवाल लग जाएंगे। हर्ष सर मैथ ज्यादा कठिन नहीं थी इसलिए बस आरडी शर्मा लगा ली थी पूरी, तो फिर ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मतलब तुमने चैप्टर वाइज आरडी शर्मा छुआ था, इट मीन तुमने डीप स्टडी की थी तो तुम्हारा काम अच्छे से हो गया मैथमेटिक्स में। वो तो बोर्ड के लिए सब लोग आरडी लगाते हैं। हाँ, देखो बोर्ड्स के लिए तो मैं कहूँ तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर भी लगा लोगे तो तुम बहुत बेटर कर जाओगे, क्योंकि बोर्ड्स का पेपर बहुत आसान आता है। और अगर तुम आरडी कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग योर बेस वेरी मच, मतलब बहुत अच्छे तरीके से तुम अपना बेस तैयार कर रहे हो। आरडी लगाना इट मीन्स एप्लीकेशन जम के लगाना, सवाल बहुत अच्छे अच्छे होते हैं उसमें, मजा आता है। और तुम इलेवन ट्वेल्थ में भी आ गए हो, अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो तुम आरडी को शुरू से ही लगाते चलना हर चैप्टर में, तो तुम्हें हेल्प मिलेगी। और जेई की तैयारी कर रहे हो तो कहीं कोचिंग वोचिंग ज्वाइन की हो तुम लोग? यस सर, सर अनअकैडमी पे ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं। प्लस में हो, अनअकैडमी प्लस में हो? यस सर। अच्छा हर्ष तुम? सर अभी तो लोकल में है एक कोचिंग झांसी में। अच्छा, तो कोई जेई के जेई से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो मैं से बात कर लेना, मैं तुमको बता दूंगा कैसे कैसे करना है कैसे कैसे, क्योंकि मैंने जेई के बच्चों की भी मेंटरिंग की है। ठीक है, तो और अच्छा हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या तुम लोग टेस्ट वगैरह भी दे रहे थे कहीं से कहीं, या अपने आप से खुद से टेस्ट वगैरह दे रहे थे? सर टेस्ट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर कुछ थे, उसको ऐसा टाइम बाउंड पे लगाते थे कि हाँ 2 hours सिटिंग पे एक पेपर खत्म करने का ट्राई करते थे, फिर एनालाइज करते थे कि क्या हुआ कैसे हुआ कहाँ गलती हुई क्या कमी हुई ये सारी चीजें। अनुराग तुमने पेपर पर दिया था कुछ टेस्ट वगैरह? नहीं सर, टेस्ट का तो मेरा कुछ ऐसा नहीं था, बस पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस थे उन्हीं को बैठता था कभी अपने स्टडी टेबल पे तो वही लगाता रहता था। हर्ष ये सब बस पीवीएस ही लगाए थे तो बाकी एनालाइज कर लेते थे, मैट अच्छी आती थी शेड्यूल में होनी। सर कुछ मॉक टेस्ट ट्राई किए थे कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसमें पूरा प्रिपरेशन हो गया। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि टेस्ट तो देते रहना चाहिए। देखो टेस्ट होता क्या है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि मान लो आपने 20 दिन पढ़ाई की, उसके बाद जब आप टेस्ट में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या चीजें भूल चुके हो, क्या क्या चीजें आपको नहीं आती है। तो अब आपको अपना वीक पोर्शन पता चलेगा, अब उस वीक पोर्शन पर आप वर्क करिए, फिर अगले टेस्ट में जब बैठेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो वीक पोर्शन था आपका अब वो थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है। तो ये आपको एनालिसिस टेस्ट ही देता है, या तो आप प्रीवियस ईयर पेपर से करिए या फिर कहीं का मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ईशान वेरी वेलकम एंड कांग्रेचुलेशन फॉर एनटीएससी स्टेज 1 क्वालिफिकेशन, यू कैन ऑन योर वीडियो एंड ऑडियो आल्सो। हेलो ईशान, ईशान कैसे हो? क्लास चल रही है तुम्हारी? हाँ भैया, अभी रोक दी थी 10 मिनट के लिए बस। किस चीज की क्लास चल रही है तुम्हारी? अभी केमिस्ट्री जेई की चल रही थी। कहाँ से कर रहे हो? हमारे लोकल में एक अच्छी कोचिंग है वहीं से। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर। अच्छा कानपुर, कानपुर तो बहुत, कानपुर में तो ऐसा होता है ना कोचिंग जेई की, केमिस्ट्री के अलग कोचिंग चलती है, फिजिक्स की अलग, मैथमेटिक्स, ऐसे ही अलग अलग ज्वाइन किए हो? नहीं, हमारे वाले तीनों एक साथ पढ़ाते हैं। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, जे की भी एकदम जम के तैयारी करो और बहुत बहुत बधाई कि तुमने स्टेज 1 कितना नंबर तुमने पाया? 164। बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी जितने बच्चे हैं लगभग यही पे 162 165 135 और इसी के आसपास सब बच्चे हैं। ईशान तुम अपनी, अब तुम लेट ज्वाइन किए, बाकी तो हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन किए हैं, तुम एक ओवरऑल बताओ कि तुमने कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैथ की कैसे स्टार्ट की, साइंस में क्या किया, सोशल में क्या किया और मैथमेटिक्स में क्या किया, चार ही मेजर सब्जेक्ट है हमारे, और तुम किस बोर्ड से हो? वैसे तो मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, पंडित दीनदयाल स्कूल से। अच्छा, तो जब पहले तो एनटीएससी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देखी यूट्यूब से, कैसे होता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए,
उसके बाद टाटा मैग्रॉ की बुक फॉलो करी और एनसीईआरटी फॉलो करी। बस मुझसे मुझे लगता है गलती यहाँ पे हो गई कि जैसे मैं यूपी से था यहाँ पे ट्रेडिशनल एसएसटी ज्यादा आती जैसे कि एंशिएंट मेडिवल टाइप की इन कंपैरिजन टू एनसीईआरटी वाली, और मैंने एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस कर दिया तो उसमें 5-6 मार्क्स कम रह गए। ये तो बात तुमने हिस्ट्री की बताई, सोशल स्टडी इज नॉट ओनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और सिविक्स के बारे में बताओ मुझे। ज्योग्राफी सिविक्स तो वो सब एनसीईआरटी से पर्याप्त आता है तो उसमें तो काम हो गया था मेरा, और रही बात मैथ्स की तो मैथ्स का लेवल यूपी में इजी होता है तो एनसीईआरटी सफिशियंट है, और रीजनिंग के लिए तो वो जैसे कि वर्बल और नॉन वर्बल वाली आर एस अग्रवाल की आती है और टाटा मैग्रॉ की मैंने फॉलो कर ली थी, और एक मेरे पास रेलवे वाली रीजनिंग थी वो भी अच्छी बुक है तो वहां से अच्छी रीजनिंग पढ़ ली थी। बहुत बढ़िया। और साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी, और मैं तब उस वक्त पियर्सन पब्लिकेशन फॉलो करता था 10th में। और कितने महीने अच्छे तुमने तैयारी की होगी? लगभग 12 मंथ से, एक ईयर से। अच्छा, पूरे 10th में तुमने तैयारी की है अच्छे से? या। और अगर तुम शायद सोशल में और बढ़िया मेहनत किए होते तो शायद 180-185 के अप्रोक्स पहुंच सकते थे। हाँ भैया। तो अभी स्टेज 2 को टारगेट करोगे कि जेई पर फोकस हो गया है पूरा? स्टेज 2 पे टारगेट करेंगे, स्टेज 2 और केवीपीवाई भी टारगेट करना है इस साल। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो स्टेज 2 को टारगेट कर रहे होगे ना तो तुम्हारी फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो वहाँ हो रही है, उसके लिए तो तुम्हें एकदम चिंता ही नहीं करनी है। नहीं, चिंता तुम्हें सोशल के लिए करनी है, और इस बार सोशल के लिए ना अपने 9th और 10th की एनसीईआरटी को ही ध्यान रखना, ठीक है? और थोड़ा डीप आपको एक बात भी बताऊं? हाँ बताओ। जैसे सोशल की मुझे ज्यादा चिंता नहीं क्योंकि मैं एक एनडीए का एस्पिरेंट हूँ तो वहाँ पे मुझे एसएसटी वो हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सिविक्स इकोनॉमिक्स सब मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ तो वो भी मुझे एक बोनस पॉइंट मेरे लिए है। इट मींस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए आल्सो? या, मेन एम तो वही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एम क्लियर रखो, सभी बच्चों को मैं यही कहूंगा कि एम क्लियर रखो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, नहीं तो फिर बाद में भटकोगे। एम क्लियर रहेगा तो तुम्हारी प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग चलती रहेगी। अच्छा तुम ईशान ये बताओ, 12th मंथ प्रिपरेशन किए, टेस्ट वगैरह देते थे? हाँ, आप पिछले आखिरी के 2 महीनों में मॉक टेस्ट दिए थे और कुछ जो फ्री टेस्ट सीरीज होती है उनके 2-3 टेस्ट दिए थे। मॉक टेस्ट कहाँ से देते थे? जैसे कुछ YouTube पे से वेदांतु या अनअकैडमी वाले कभी कभी हर महीने में एक दो करवा देते थे। बहुत बढ़िया। या कुछ प्रीवियस एक भैया थे उनके पास एक पुरानी बुक थी तो थोड़ा पुराने पैटर्न के थे मगर रीजनिंग के लिए तो अच्छे रहते हैं वो सब तो। चलो बहुत बढ़िया। ओवरऑल तुमने अच्छी तैयारी की और अच्छा स्कोर भी किया, दैट्स अ वेरी गुड मार्क्स, 165 अगर आप एनटीएससी स्टेज 1 में क्वालिफाई पाते हैं तो अच्छा नंबर है। और एनी मतलब टिप्स आप लोग देना चाहेंगे जो अगले इस साल देने वाले? अच्छा, इसमें से आप लोग मेरे चैनल को देखा है आप लोगों ने, मैं पढ़ाता हूँ जो मैथ और रीजनिंग। कैसा क्या लेवल है मेरा, लेवल देखा है तुमने? हाँ, अच्छा है, 2-3 वीडियो देखिए आप, अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ ना, स्टेज 1 के जो बच्चे स्टेज 1 की अगर तैयारी करवा रहा हूँ तो सही है। और अनुराग आपने देखा है मेरी क्लासेस? सर आज तो पहली बार आपका वो एनटीएससी वाला वीडियो देखा था मैंने। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। चलो कोई नहीं, वैसे मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि, क्योंकि होता क्या था ना, इसके पहले कुछ ही बच्चों को मालूम चलता था कि एनटीएससी एक एग्जाम होता है और बच्चे जो है वो पता ही नहीं कर पाते थे। तो मेरी तो कोशिश यही है कि कम से कम बच्चों को पता चलना चाहिए और बच्चों के पास फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऐसे कंटेंट अवेलेबल हो जाए कि वो तैयारी इसकी कर सकें, किताबें खुद से खरीद लें, कुछ मैं मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिया हूँ वो ले लें। और मैं तो इस लेवल की तैयारी करा रहा हूँ कि बच्चा स्टेज 1 में तो बढ़िया कर ही सकता है। तो मैं तो ओवरऑल बहुत सारी सिलेबस को भी कंप्लीट कर लिया हूँ, वर्बल पूरा कंप्लीट कर दिया है, नॉन वर्बल भी कंप्लीट होने वाला है, बेसिक मैथ। अच्छा, यूपी में बेसिक मैथ नहीं आता है ना? नहीं, बेसिक मैथ नहीं आता है। पता है दिल्ली में 50-50 नंबर का बेसिक मैथ आ जाता है। तो फिर भी मेरे को ओवरऑल ऑल इंडिया में लेके चलना है तो मैंने ट्राई किया है कि बेसिक मैथ की भी एक प्लेलिस्ट बना के बेसिक मैथ भी पढ़ा रहा हूँ। और मैथमेटिक्स तो प्रॉपर तरीके से 9+10 को चला रहा हूँ, आधा सिलेबस कंप्लीट करा दिया हूँ, साइंस भी करवा रहा हूँ। यूपी में भी बेसिक मैथ पूछता है कभी कभी, प्रॉफिट लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, ये थोड़ा थोड़ा पूछता है। और फिर एक कुछ बेसिक पूछता है, एक क्वेश्चन बोला था कि एक फ्रॉग है वो
एक दो बार जंप करता है तो 1 मीटर पीछे आ जाता है, फिर वो इतने कितने जंप में 10 मीटर पहुंचेगा, वैसे कई सारे क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर बेसिक मैथ पढ़ते रहेगा, हालांकि बेसिक मैथ अगर कोई बच्चा ना भी पढ़े ना, और तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होता ही है बच्चों को 6, 7, 8 का प्रॉफिट लॉस निकालने का, एक बार पढ़ ले तो अच्छी बात है और ना भी पढ़े तो हो ही जाता है। अच्छा कुछ टिप्स आप लोग जो ऐसा देना चाहते हैं जो अगले साल पेपर देने वाले हैं, एनीथिंग सर? जैसे अगर यूपी वाले बच्चों के लिए मैं टिप दूं तो ये दूंगा कि जैसे अगर बात करी जाए एसएसटी की, तो सबसे पहले जो इधर साइड जो यूपी बोर्ड की पहले बुक चलती थी, जैसे जहाँ पे एंशियंट मेडिवल या इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन पॉलिटिक्स पे जोर देते थे, यहाँ पे जोर दें, ना कि जो एनसीईआरटी में से यूरोपियन हिस्ट्री या वियतनाम वाला पोर्शन उस पर ध्यान ना दें। और सर जैसे बात रही मैथ साइंस की, केवल एनसीईआरटी फॉलो करें, अपने आप बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अगर बेसिक्स क्लियर है तो निकल जाएंगे अच्छे से, क्योंकि अपने पास सीट भी तो बहुत ज्यादा है, अपने पास सीट 1400 सीट है। सर मैं तो यही कहूंगा कि जो जिस बोर्ड में है वो उसी बोर्ड की तैयारी करेगा तो उसका आराम से हो जाएगा, बाकी अलग से उसको लेके चलना है तो अलग से उसको बस रीजनिंग लेके चलना है, और थोड़ा सा वो इकोनॉमिक्स देखता रहे या ऐसे कोई अलग से साइंस देखता रहे, सोशल साइंस की बात करें तो। सर यही है कि प्रीवियस ईयर लगाए और अपनी बोर्ड्स की तैयारी करेगा तो अपने आप हो जाएगा, और मैट की बस अलग से करने पर। बहुत बढ़िया आयुष, मेरा तुमसे क्वेश्चन ये अलग है कि तुम उन बच्चों को भी मोटिवेट करो जो एससी एसटी कैटेगरी में हैं और अपने आप को बहुत पीछे का मानते हैं, वो तैयारी के लिए क्यों आ गए हैं, उनके अंदर कैसे मोटिवेशन आए, आरक्षण का उन्हें कैसे फायदा उठाना चाहिए, उन्हें क्यों तैयारी करनी चाहिए, तुम समझ लो उन बच्चों के लिए मोटिवेशन हो जो एससी एसटी कैटेगरी में अपने आप को बहुत दबा कुचला मानते हैं, और उन्हें तैयारी करने के लिए तुम कैसे मोटिवेट करोगे? सर नॉर्मली ऐसे बच्चों को तो ज्यादातर नॉलेज नहीं होती कि एनटीएससी नाम का कोई एग्जाम होता है, बहुत कम ही ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं इस कैटेगरी के जिन्हें इस फील्ड में नॉलेज होती है कि एनटीएससी और केवीपीवाई ऐसे कोई एग्जाम्स भी होते हैं। तो मुझे खुद बहुत लेट पता चला था इसके बारे में, एनटीएससी के बारे में आखिरी के महीने 2 महीने में प्रिपरेशन हुई, उसी में जो हुआ हुआ। सो बेसिकली अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और साथ में थोड़ी अच्छी रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये सफिशियंट होता है। बहुत बढ़िया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सर एक बात पूछनी थी, सर मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ पर मेरा जनरल में क्यों रिजल्ट में आया, मेरा जनरल की लिस्ट में रिजल्ट दे दिया उन लोगों ने। तो तुमने कैटेगरी डाली थी वहाँ पर? हाँ एससी कैटेगरी डाली थी, लेकिन तुम्हारी तो बताएं जनरल। सर वो एससी एसटी के लिए पेपर को सर्टिफिकेट देनी होती, वो इसने नहीं दी होगी। हाँ वही हो सकता है, तुमने कुछ ऐसी सब दिया था, दिया था सब पता नहीं, बट सर कैटेगरी में तो उसमें 3 लिखा है, बट सर जनरल लिस्ट में क्यों नाम आया? कैटेगरी में क्या लिखा हुआ है? 3 मतलब एससी का कोड 3 था तो 3 लिखा है, बट जनरल लिस्ट में नाम आया है मेरा। अच्छा तुमने चेक किया कि शायद वो भी उस वाले दोनों लिस्ट में नाम तो नहीं ना लिखा है? नहीं नहीं एससी में नहीं है, जनरल में। सर ऐसा तो होना नहीं चाहिए अगर तुम ओबीएससी हो, क्योंकि एससी वाले बच्चे भी बढ़िया हैं। मेरा एक और दोस्त है उस वो भी ओबीसी का है, उसका भी जनरल में आ गया, उसके भी एससी 165। सर उसमें जब तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करेंगे तब तक ऐसे ही एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा। हाँ वो तो मैं भी समझता हूँ, अगर आप हाँ अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो सर एनटीएससी स्टेशन का कहूंगा। स्टेज 2 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब पूरे ओवरऑल रिजल्ट्स आ जाएंगे ना तब स्टेज 2 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा और वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर आएगा, उसके बारे में मैं डिटेल बताता रहूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो, ठीक है? ओके सर, तो चलो बहुत हाँ हाँ ईशान बताओ लगभग अप्रोक्स डेट क्या हो सकती है स्टेज 2 की? आई कांट से बिकॉज पिछले साल देखो फरवरी में उन्होंने कराया था, इस साल अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, हो सकता है वो सितंबर में करा लें, हो सकता है कब करा लें, तो उसके बारे में अभी एकदम चिंता मत करो, आप अपनी तैयारी जो जहां कर रहे हो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको मत छोड़ो, उस पर स्टिक रहो। मान लो ये बीच में आ गया कि भैया 2 महीने बाद आपका एग्जाम है, 1 महीने बाद एग्जाम है,
तो थोड़ा सा इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाना शुरू कर देना, क्वेश्चन के एनालिसिस करना शुरू कर देना। पढ़ाई तो तुम कर ही रहे हो, ऐसा तो है नहीं पढ़ाई छोड़ दोगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही शानदार सेशन रहा, आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आपके आने वाले बच्चों को जो आपके जूनियर्स हैं उनको बहुत हेल्प होगी, और आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई। ठीक है, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत ही ध्यान से इस इंटरव्यू को सुना होगा, आपको सारी चीजें इन बच्चों की समझ में आई होगी, एक आइडिया मिला होगा, एक प्रारूप मिला होगा कि आपको अब तैयारी कैसे करनी है। जो चीजें आपकी लैक करती हैं सोशल स्टडीज, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। ये सारी चीजें आपको हेल्प करने वाली है। उन बच्चों ने कहा कि टेस्ट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो टेस्ट तो आपको देते रहना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट देंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका वीक पोर्शन क्या है। अदरवाइज आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे सब आता है, बट आप टेस्ट में बैठेंगे ओवरऑल में, तब आपको पता चलेगा कि आप रियली कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज हमारा ज्वाइन करिए, NTSC आरंभ टेस्ट सीरीज बहुत सस्ता है, सिर्फ 300 रुपये, पूरे मार्केट में आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी, सामान थोड़ी है यार, क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स से बात करिए, अगर आप ट्रूली कॉन्फिडेंट हैं, ट्रूली NTSC ओरिएंटेड है, तो आप इसको ज्वाइन करिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए लोगों तक, बताइए कि NTSC क्या है क्या नहीं है, और उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए।